हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। तो चलिए इस क्रैश कोर्स में हम स्टार्ट करते हैं टेट्रापोडा के बारे में। आज टेट्रापोडा के हम चारों क्लासेस की कॉम्पेरेटिव स्टडी करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज है एम्फीबियंस। इधर क्लासेस मैंने लिख रखे हैं रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। तो ये चार ग्रुप हम इसमें पढ़ेंगे एम्फीबियंस से लेकर मैमल्स तक के। और इधर आपके कैरेक्टर्स लिख रखे हैं, उन कैरेक्टर्स को ही हम देखेंगे चारों क्लासेस में। तो कॉम्पिटिटिव स्टडी यहां से शुरुआत करते हैं। पहली चीज है हैबिटेट के बारे में। तो जो हैबिटेट होती है, तो हैबिटेट एम्फीबियंस जो होते हैं वो एक्वेटिक और टेरिस्टेरियल। नाम से ही पता चलता है एम्फीबियंस मीन्स ड्यूअल लाइफ, मीन्स एक्वेटिक में भी होंगे और टेरिस्टेरियल हैबिटेट भी होगा, पानी में भी और जमीन पे भी। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, मोस्टली टेरिस्टेरियल होते हैं। एप्स, आपने आप तो जानते ही हैं जो बर्ड्स होते हैं वो एरियल भी होते, हवाओं में होते हैं और टेरिस्टेरियल जमीन पे भी होते हैं। मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं तो सारे हैबिटेट में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे पोलर आइस कैप्स ले लो, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, डार्क कैप्स, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट। तो हर जगह मैमल्स जो होते हैं अडेप्ट कर चुके हैं। चाहे आप एयर में भी देखो तो एयर में भी हैं, वाटर में भी हैं, जैसे आप बैट वगैरह हैं तो ये एयर में भी होते हैं। नेक्स्ट बॉडी डिवीजन की बात करते हैं, तो मेनली ये टू पार्ट्स में बॉडी डिवीजन होता है, हेड और ट्रंक में एम्फीबियंस का। जहां तक रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स की बात है, तो इसमें चार टाइप के डिवीजन होते हैं, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। जनरली ये चार होते हैं, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स में कॉमन होगा। नेक्स्ट आगे बात करें हम बॉडी कवरिंग की, अगर जहां तक बात है तो एम्फीबियंस में मॉइस्ट स्किन होता है, फ्रॉग बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, इसमें स्केल्स नहीं होते। स्किन जो रेप्टाइल्स की होती है ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है और इनमें एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट एप्स में फेदर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसी भी बर्ड्स का कि बर्ड्स के पास फेदर का होना। नेक्स्ट मैमल्स, मैमल्स में हेयर होते हैं। मैमल्स का अगर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो मैमरी ग्लैंड का होना सेकेंड नंबर पे हेयर्स आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें हार्ट चैम्बर की, तो हार्ट चैम्बर में कुछ खास बात जो आप याद रखेंगे, पहले तो हार्ट चैम्बर तीन होती है, तीन में से दो ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। जहां तक सर्कुलेशन की बात है, डबल सर्कुलेशन होती है, लेकिन वो मिक्स्ड सर्कुलेशन होगी, मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन होगी, मींस इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। सेम चीजें इसमें भी चलती हैं, लेकिन अगर मिक्सिंग की बात की जाए तो एम्फीबियंस में ब्लड की ज्यादा मिक्सिंग होती है, रेप्टाइल्स में मिक्सिंग कम होती है। रेप्टाइल्स में टोटल चैम्बर जो होते हैं वो तीन होते हैं, सेम एज एम्फीबियंस, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एम्स जिपमर। तो क्रोकोडाइल जो होता है तो इसमें 3.5 चैम्बर होते हैं, या कहें तो 4 चैम्बर इसमें होते हैं क्रोकोडाइल्स में। नेक्स्ट अगर बात करें एप्स के बारे में, तो एप्स में टोटल चैम्बर 4 होते हैं, कॉम्प्लीट सर्कुलेशन होती है, कॉम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल, और सेम ही मैमल्स का ये केस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी टेम्परेचर के बारे में, तो दो टर्म इसके बारे में होते हैं, तो पोइकाइलोथर्मल और एक होमोइयोथर्मल। पहले दोनों टर्म को समझते हैं। पोइकाइलोथर्मल्स को बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इसलिए बोला जाता क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं होता कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए। उनकी बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो वेरिएबल होती है, तो ये होता है पोइकाइलोथर्मल्स। और जो होमोइयोथर्म्स होते हैं, जिन्हें वार्म ब्लडेड बोला जाता है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है उसको वो मेंटेन कर पाएंगे, तो इसलिए इनकी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बोली जाती है, या कहें तो इंडोथर्मिक बोली जाती है। पोइकाइलोथर्मिक इक्टोथर्मिक होते हैं। तो ये बात, तो जहां तक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात है, ये दोनों होते हैं पोइकाइलोथर्मिक मीन्स कोल्ड ब्लडेड, और एप्स और मैमल्स ये दोनों होते हैं होमोइयोथर्मिक मीन्स वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट आगे रेस्पिरेशन की अगर जहां तक बात है, तो रेस्पिरेशन में लंग्स से भी होता है, गिल्स से भी होता है, स्किन से भी, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी होता है। ये केसेस एम्फीबियंस में देखे गए हैं, मींस एम्फीबियंस हर तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट बात है रेप्टाइल्स के बारे में, तो रेप्टाइल्स जब लैंड पे होंगे तब तो लंग्स का इस्तेमाल करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट एक्वेटिक, जब वो पानी में होंगे तो गिल्स का यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट है एप्स, एप्स में लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए एज सेम एज ह्यूमंस। इसमें खास होता है एयर सैक्स। एयर सैक्स क्या करता है, ये लंग्स के साथ ही कनेक्ट होता है, ये रेस्पायरेशन में सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है कि रेस्पायरेटरी एफिशिएंसी बढ़ जाए किसी भी बर्ड का, इसलिए एयर सैक्स में
कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट, आप तो जानते ही हैं मैमल्स में लंग्स रेस्पिरेशन के तौर पे यूज किया जाता है। एक्सक्रीटरी मैटर जहां तक बात है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है हमारा, वो किडनी से ही होता है। किडनीज होती हैं हमारे में मेटानेफ्रिक किडनी होती है, और पाइसेस और एम्फीबियंस में मेसोनेफ्रिक किडनीज होती हैं। तो इसमें बात कर रहे हैं हम एक्सक्रीटरी मैटर क्या है। तो जो भी एम्फीबियंस होते हैं, जब लैंड पे होंगे तो यूरिया, और जब पानी में होंगे तो अमोनिया। आप सिंपल सा एक ट्रिक इस्तेमाल कर लेना कि अगर कोई भी पानी में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका एक्सक्रीटरी मैटर की बात कर रहे हैं, तो वो अमोनिया ही होगा। चाहे आप इसका ही एग्जाम्पल ले लो एक्वेटिक में रेप्टाइल्स का, तो अमोनिया ही, लैंड है तो लैंड पे यहाँ पे यूरिक एसिड होगा। ठीक, बर्ड्स में भी यूरिक एसिड ही मिलता है एक्सक्रीटरी मैटर, और जो मैमल्स होते हैं उनमें यूरिया होता है, क्योंकि यूरियोटेलिक होते हैं वो। यूरिया तो यूरियोटेलिक हो गया, नाम वैसे ही पड़ा, जो उसका चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, नाम भी उसके ही बेसिस पड़ा। जैसे आप जानते हैं जो रेप्टाइल्स और एप्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, क्योंकि उनका जो चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है सेक्स या फर्टिलाइजेशन की बात करें। सेक्स सेपरेट होते हैं, सब में मिलेंगे आपको, सेपरेट सेक्स ही देखने को मिलेगा। जहां तक फर्टिलाइजेशन की बात है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको एम्फीबियंस में, और बाकी सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही आपको देखने को मिलेगा, चाहे रेप्टाइल्स हो, एयर्स हो और मैमल्स हो। ओविपैरस और वेविपैरस की जहां तक बात है, आपको सब मिलेंगे ओविपैरस, सिर्फ मैमल्स को छोड़कर। मैमल्स वेविपैरस होते हैं, एक एक्सेप्शनल केस है ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस, डक बिल्ड प्लैटिपस जिसे बोला जाता है, सिर्फ वही ओविपैरस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ओविपैरस है, बाकी सब जो मैमल्स होते हैं वो वेविपैरस ही होते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट जो होती है एम्फीबियंस की, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और बाकी सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मीन्स डायरेक्ट यंग वंस आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इसके खास हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें एम्फीबियंस में, पहला है बूफो। बूफो को टोड बोलते हैं, राना फ्रॉग है, हाइला ट्री फ्रॉग है, सैलामेंड्रा सैलामेंडर है, इक्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबिया है। पांच एग्जाम्पल हैं, इसको हमेशा अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल के बारे में। पहली चीज है चिलोनी, टर्टल, टेस्टुडो टोर्टोइज, कैमलियन ट्री लिजार्ड, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड। नेक्स्ट है कुछ पॉइजनस स्नेक्स के नाम दे रखे हैं। तो पॉइजनस स्नेक्स में आपको नाजा वाइपेर और बंगेरस। नाजा नाजा ये कोबरा के लिए यूज किया जाता है, वाइपेरा वाइपर स्नेक के लिए यूज किया जाता है, बंगेरस करैत के लिए ये टर्म यूज की जाती है साइंटिफिक नेम्स। नेक्स्ट है एप्स। एप्स में कॉर्वस है क्रो के लिए, कोलंबा पीजन के लिए, सीटाकुला पैरोट के लिए, अस्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच के लिए, पावो पीकॉक के लिए, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर। तो ये था हमारा एप्स। अब मैमल्स की कुछ एग्जाम्पल जो खास है मैमल्स के लिए, मैक्रोपस कंगारू, कैनिस डॉग, टेरोपस, टेरोपस मीन्स फ्लाइंग फॉक्स आएगा, फेलिस है तो कैट आएगा। नेक्स्ट है कैमलस, तो कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, एलिफास एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस डॉल्फिन, बेलेनोपटेरा ब्लू व्हेल। यहाँ पे पैंथेरा है, तो पैंथेरा के केस में पैंथेरा लियो आ सकता है तो लॉयन के लिए, पैंथेरा टिग्रिस आ सकता है तो टाइगर के लिए, पैंथेरा पार्डस आ सकता है तो लियोपार्ड के लिए। तो ये सब चीजें हैं। तो चलिए अब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं एम्फीबिया के बारे में, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्पेशल भी हैं और कुछ कॉमन भी हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में टिम्पैनम ईयर, मीन्स इसमें एक टिम्पैनम होगा जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बात करें क्लोएका, इसमें एक क्लोएका होता है जो एक्सटर्नली खुलता है। पहला चीज तो ये है, इसमें तीन चैम्बर खुलते हैं, एक तो एलिमेंट्री कनाल, एक यूरिनरी यूरिनरी ट्रैक्ट मीन्स, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एक क्लोएका में तीन चैम्बर खुलते हैं, ये हमें बार बार याद नहीं होता, जो बाहर की ओर खुलता है ये हमेशा याद रखें। क्लोएका एम्फीबियंस के केस में ये देखे जाते हैं। नेक्स्ट स्किन पे म्यूकस ग्लैंड होता है, म्यूकस ग्लैंड के ही कारण इसके स्किन मॉइस्ट होती है, मॉइस्टनिंग स्किन होती है इसकी। ये बात कुछ थी टीम एम्फीबिया के बारे में, आप क्लोएका खासकर याद रखेंगे। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो वर्ड है ये रेप्टम से डिराइव किया गया है। रेप्टम मीन्स होता है क्रीप या क्रॉल, मीन्स इसमें क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन देखी जाती है। नेक्स्ट इसमें टिम्पैनम ईयर होता है सेम एज एम्फीबिया, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इसमें नहीं होती है, मीन्स कंप्लीट विदाउट ईयर पिन्ना, कंप्लीट ईयर है लेकिन इसमें ईयर पिन्ना एबसेंट है। यही चीज सेम मिलती है आपको एप्स में, आपको ईयर पिन्ना पहली बार मैमल्स में ही मिले हैं, मैमल्स में ही ईयर पिन्ना प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट बात करें स्नेक्स और लिजार्ड्स के बारे में, तो स्किन कास्ट के तौर पे अपने स्किन को जो स्केल्स होते हैं एज अ स्किन कास्ट इसको निकालते हैं, मींस बॉडी से रिमूव करते हैं कि नैव स्किन फिर से आती है। नेक्स्ट एप्स के बारे में बात करेंगे। एप्स में तो आप जानते ही हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है किसी भी एप्स की, मींस बर्ड्स की, तो फेदर्स का प्रेजेंस होना। ज्यादातर इसमें उड़ सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं उड़ सकते, उन्हें फ्लैटलेस बर्ड्स बोला जाता, जैसे ऑस्ट्रिच है, ईमू है, ये सब एग्जाम्पल फ्लैटलेस बर्ड्स के। बीक होती है ये आप जानते ही हैं। विंग्स जो इनमें होती हैं वो फोरलिम्स के मॉडिफिकेशन से बनती हैं, और इनमें जो हिंडलिम्स होता है तो वो वॉकिंग के काम आता है, स्विमिंग के काम आता है, और क्लैस्पिंग ट्री, जब ट्री ब्रांचेस पे वो बैठते हैं तो उनके पकड़ते हैं तो उनको काम आता है ये क्लैस्पिंग ट्रीज। हिंडलिम्स पे स्केल्स देखे जाते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है, बिल्कुल ड्राई होने के साथ, अगर ड्राई है तो इनमें कोई ग्लैंड्स भी नहीं होता, विदाउट ग्लैंड, इनमें सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड्स होता जो इंपॉर्टेंट है, टेल बेस पे ये प्रेजेंट होता है, टेल के बेस पे ये प्रेजेंट होती है चीज। और कुछ खास बात देखेंगे एप्स के बारे में। एप्स बोनी इंडोस्केलेटन होता है, जैसे हमारा इंडोस्केलेटन है वैसे ही बोनी इंडोस्केलेटन होता है। खास बात क्या है इसकी, ये न्यूमेटिक इंडोस्केलेटन होती है। न्यूमेटिक मीन्स इसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी, मीन्स ये हॉलो होगा, तो हॉलो होने के ही कारण जो बर्ड्स हैं वो हवाओं में सैर लगा सकते हैं, हम हवाओं में सैर नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी बोन सॉलिड होती है। और कुछ खास फीचर्स, कुछ खास मैकेनिज्म है जिनके चलते ये उड़ पाती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो चीजें, क्रॉप और गिजार्ड का होना, ये फीचर्स होती हैं एप्स के ही। यही चीज 2018 में पूछी गई थी नीट में कि ऐसा कौन सा इसमें से क्लास है जो क्रॉप और गिजार्ड जिनमें होता है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है ऐसा एप्स के ही केस में। पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड होता, पेरेंटल केयर आपको एम्फीबियंस में भी मिलेंगे, रिप्टाइल्स में भी मिलेगा, लेकिन वेल डेवलप्ड जो पेरेंटल केयर है वो एब्स में, और एब्स से भी अच्छा पेरेंटल केयर आप तो जानते ही हैं मैमल्स में होता है। नेक्स्ट है मैमलिया। मैमलिया का तो आप यूनिक कैरेक्टर जानते ही है, मैमरी ग्लैंड का होना, मैमलिया वर्ड से ही आया है, मैमा से, मीन्स विच मीन्स मैमरी ग्लैंड। दूसरी चीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर हेयर्स का होना स्किन पे। नेक्स्ट है पीना प्रेजेंट होते, मैंने बताया ही आपको अभी। नेक्स्ट कुछ खास बातें, हेट्रोडोंट, थेकोडोंट और डायफियोडोंट, ये फीचर्स जो हैं ये मैमल्स के फीचर होते हैं। हेट्रोडोंट का, हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि मीन्स जो टीथ होंगे वो डिफरेंट टाइप के टीथ होंगे। नेक्स्ट है थेकोडोंट, थेकोडोंट मीन्स जो हमारा बोनी सॉकेट होता है, जो माउथ के अंदर बोनी सॉकेट होता है किसी भी मैमल्स के, तो उसमें टीथ एम्बेडेड होते हैं, तो मीन्स थेकोडोंट। डायफायोडोंट मीन्स दो बार टीथ आती है इसलिए इसको बोलते हैं डायफायोडोंट। ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं डेंटिशन का, ये मैमल्स में ही देखे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है कि अपर लोअर जॉ, लोअर अपर लोअर जॉ, ये किसमें ये सब देखे गए हैं, ये सब जो केसेस हैं मैमलिया के ही फीचर्स हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा 2 1 2 3 2 1 2 3 × 2 = 32 एडल्ट के केसेस में, जहां 2 1 2 3 जो है सेक्वेंस में अगर देखें तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। नेक्स्ट बात करें जो एग्जाम में क्वेश्चन आई हुई थी, डॉल्फिन, डेल्फिनस साइंटिफिक नेम जानते ही हैं आप, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल होती है किस इंडिया की, तो ये क्वेश्चन पहली बार आई थी, ना एनसीईआरटी में थी ना कहीं भी आपको ये देखने को मिला था, पहली बार जीके टाइप की ये क्वेश्चन थी, तो जो बच्चे को याद था उन्होंने सही किया इसे, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावे कुछ ई स्पेशल पॉइंट्स इस चैप्टर के, 3-4 पॉइंट हैं वो देख लें आप। नेक्स्ट है पहला, ट्राइकिनेलिया अस्पायरलिस, ये विविपैरस होता है, ये ह्यूमन इंडोपैरासाइट होता है, एस्केलमेंथिस में ये चीजें आती हैं, ट्राइकिनेला अस्पायरलिस, आप याद रखें विविपैरस होता है। नेक्स्ट है इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो हमारे कोलोन के, कोलोन पे डिपेंड होता है, उनमें इरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पे वो मीन्स अपना फीडिंग करता है, मीन्स अपना भोजन जो है वो ये तीनों पे करता है। दो चीजें हैं ये खास याद रखें, कहीं मेंशन नहीं है ये चीजें, पूछी गई थी इसलिए मैंने ये स्पेशल पॉइंट्स में इसको जोड़ा है। नेक्स्ट चीज है आर्थ्रोपोडा सिल्वर फिश, आपने जितनी टाइप की फिशेस पढ़ी होंगी जो फॉल्स फिशेस होती हैं, मिसनोमर होती हैं, सिर्फ नाम से हम इसे जानते हैं कि हाँ फिश है, लेकिन ये फिश होती नहीं है, जैसे कटल फिश है, ये फिश होती नहीं, सीपिया कटल फिश, ये फिश होती नहीं है, डेविल फिश, ये सब फिश होते नहीं है, सिर्फ नाम है, मिसनोमर होता है। नेक्स्ट बात करें कनेक्टिंग लिंक, जो मैं आपको इवोल्यूशन में भी बताऊंगा क्लास 12th के 7 चैप्टर में, इसमें देख लें आप पेरिपेटस जो होता है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्टिंग लिंक होता है।
न्यूप्लीना आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच कनेक्टिंग लिंक होता है, तो ये कनेक्टिंग लिंक तो वहां भी आ जाएगा, तो आप याद रखेंगे यहाँ के लिए पेरिपेटस खास है। नेक्स्ट है अस्कैरिस। अस्कैरिस तो आप जानते ही हैं, अस्कैरिस की इन्फेक्शन कैसे होती है, अस्कैरियसिस कैसे होता, तो हम ऐसा पानी पी लेते हैं जिसमें अस्कैरिस ने अंडे दिए हों, अस्कैरिस के एग्स जहां होते हैं हमने वैसे पानी को पी लिया है ड्रिंकिंग वाटर में, मीन्स वाटर बॉर्न डिजीज है, तो भी हमें अस्कैरियसिस होता है। ये यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा खत्म हुआ यहाँ पे चैप्टर एनिमल किंगडम। ये हमने क्रैश कोर्स देख रहा, ये हमने क्रैश कोर्स देखा जो एनिमल किंगडम का था, मैंने पूरी डिटेल में नहीं बताई है, जैसे मैमलिया का ही आपको डिटेल में बताऊंगा तो 1.5 घंटे लगेंगे मैमलिया में ही, आपका 1 घंटा में पूरा ये हमारा चैप्टर जो है एनिमल किंगडम कंप्लीट हो चुका है। 6 पार्ट में मैंने इसे बनाए हैं क्रैश कोर्स, आप पिछले 10 साल के कोई भी क्वेश्चन लगा लो एनिमल किंगडम से जो आए हुए हैं आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगली लेशन में हम बात करेंगे क्विक रिवीजन, इस चैप्टर के एनसीईआरटी से क्विक रिवीजन करेंगे, जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में उसको मैं बताऊंगा और जो क्वेश्चन आए हुए हैं जिस लाइन से एनसीईआरटी के वो मैं बताऊंगा। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं एनसीईआरटी ही फॉलो करो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी पे ही क्रैश कोर्स बिट्स फॉर बायोलॉजी पे चल रही है, आपको 300+ क्रॉस करना है तो करना है इस बार, तो कोशिश करें क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और कल फिर मिलते हैं क्रैश कोर्स के साथ, कल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे क्विक रिविजन सीरीज आएगा, क्विक रिविजन सीरीज को मैक्सिमम 30 मिनट्स 35 मिनट्स लगते हैं, उसमें आप रिविजन कर सकते हो, इस चैप्टर का बड़ी चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।